माशाल्लाह माशाल्लाह, चारी चना दाल की रेसिपी लेकर आ चुकी है किरण खान, और बहुत मज़ेदार, बहुत लाजवाब। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी फाइनल लुक माशाल्लाह माशाल्लाह। आए इसकी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। किरण खान के ब्लॉग में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ अचारी चने की दाल, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, लाजवाब सी लेकर आ चुकी हूँ। ये देखें, ये मैंने सारे मसाले जो हैं वो काट लिए हैं। धनिया है, ये हरा लहसुन है, और मैं आपको ये ख़ास बात बताऊँ, जो ये हरा लहसुन है मैंने खुद अपनी लगाया है ऊपर छत के ऊपर गमलों में, उसमें से तोड़ के लाई हूँ। ये देखें, कभी मैं आपको इंशाल्लाह, अब थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ जो मैंने लगाई हैं वो थोड़ी बड़ी हो रही हैं, तो मैं आपके इनका विज़िट भी करवाऊँगी, ठीक है? तो ये हमारे जो चारी दाल में मसाले हैं ये मैंने सारे काट लिए हैं, बाकी खुश कभी डाल रहे हैं। ये अदरक और इसको लहसुन को मैं अच्छी तरह कूट लूँगी। ये हरी मिर्चें हैं, टमाटर हैं, एक दो प्याज है, और दाल को उबलने के लिए रख लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बस थोड़ी सी देर और है, दाल को हम साथ में उबलने देंगे और मसाला भी हम तैयार कर लेंगे। कटोरी में मैंने सारी चीज़ें डाल के हम इसको कूट लेंगे। सूखा धनिया पिसा हुआ है, लाल ददरी मिर्च हैं, और ज़ीरा और एक अदी इलायची, इसको हम सारी चीज़ों को इकट्ठा ही कूट लेंगे। दाल को मैंने अच्छी तरह, ये देखें, कूट लिया है, और अब हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। मसाला मैंने इसमें कूट के डाल लिया है, ये देखिए, साथ में हमने घी डाल लिया, ठीक है, और प्याज भी डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर भी डाल देंगे, सिर्फ हरी मिर्चें नहीं डालेंगे, और मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए मैंने सारे प्याज और टमाटर डाल दिए हैं, तो अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक मैंने ऑलरेडी दाल में ऐड किया है, ठीक है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, वो ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि नमक तो बाद में भी ऐड हो सकता है, आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें, क्योंकि घर में अक्सर लोग होते हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, तो उनके लिए आप ख़ास ख्याल रखा करें। तो ये देखिए मैं अब इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि हमने, आपको पता है, वो सारी चीज़ें, बाकी मसाले कुछ हमने इकट्ठे कूट लिए हैं, तो हल्दी ये चीज़ें रहेगी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको अच्छी तरह भूनती रहूँगी। आपको पता है अचार अभी हम नहीं ऐड करेंगे, अचार दाल डालने के बाद कुछ देर के बाद हम ऐड करेंगे, क्योंकि जो अचार है ना, उससे दाल आपके ये जो है थोड़ी सी मटकूर होने का डर होता है। आप बाद में ऐड करेंगे तो आपकी दाल मटकूर नहीं होगी, बिल्कुल ठीक पकेगी, तो बिल्कुल होटलों की तरह पकेगी। जब हम जाके होटलों में खाते हैं ना चने की दाल, खट्टी खट्टी सी अचारी, तो बड़ा दिल करता है कि हम भी घर में अचारी दाल बनाएं, तो इसलिए मैंने कहा चलें इसकी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत लाजवाब बनती है। तो मैं अब मसाले को अच्छी तरह भून लूँ। अचार निकाल लिया है, अचार हमारा घर का बना हुआ है, बाहर का नहीं है। तो मैंने तीन मैंगो लिए हैं, एक लेमन लिया है, इसको हम अभी रख देंगे। अभी हम मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे, ठीक है? तो बाप घर का नहीं है तो आप बाहर का भी ऐड कर सकते हैं, घर का है तो फिर लाजवाब है ना, तो क्या ही बात है। जो आपको पता है घर की चीज़ होती है वो लाजवाब होती है, और उसका कोई मुकाबला नहीं होता। दाल जो हमारी चने की है वो भी साथ गल रही है। तो मौसम आपको पता है कितना माशाल्लाह अच्छा मौसम हो चुका है, ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है, तो बहुत यानी कि दिल करता है कुछ ना कुछ बनाए लाजवाब सा और चटपटा सा, क्योंकि ठंडे ठंडे मौसम में इस तरह की चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो आप भी मौसम को एंजॉय करें, अल्लाह पाक हर किसी के लिए ये आसानियाँ लेकर आए, और ये नसीब करे ये ठंडा मौसम देखने और रहने, और अल्लाह बीमारों को सेहत दे। तो मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी, तो आप सब मेरी सपोर्ट किया करें, मेरे व्लॉग को देखा करें। मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं, मेरे व्लॉग को देखते हैं, तो मेरी कुकिंग को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, हो सके तो शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों में, चाहने वालों में। आप ये रेसिपी जो भी मेरी अच्छी लगे आप कुकिंग की, तो आप शेयर किया करें, ठीक है? आपकी सपोर्ट की मुंतजिर रहती है किरण खान। तो मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी, तो भूनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने मसाले को भून लिया है, जो इसकी खुशबू आ रही है बहुत लाजवाब आ रही है, दिल कर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दाल चने की अब हम बीच में डाल देंगे, और डालने के बाद इससे भी थोड़ी सी पकेगी, उसका टेस्ट पकेगा, जायका पकेगा, तो हम इसका ढक्कन उतार देंगे।
अब हम दाल चने को बीच में डालेंगे कपड़े की मदद से पकड़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी भी हम साथ में डाल देंगे क्योंकि मैंने अच्छी तरह धोई थी। तो अब हम पानी इसमें से नहीं निकालेंगे, नमक का भी हमने इसीलिए ख्याल रखा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान, माशाल्लाह, क्या खुशबू आ रही है, क्या कलर आ रहा है, माशाल्लाह। ये देखें दाल जो है हमारी अच्छी तरह गल चुकी है, ये देखें। ठीक है, अब हम इसको पकने देंगे थोड़ी देर पकने देंगे, और साथ में जो हम बाकी चीज़ें अचार वगैरह जो है हम इसमें ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारी जो टेस्ट है अचार ये दाल का टेस्ट बिल्कुल वैसा बन जाए बसारी जैसा। माशाल्लाह, बहुत लाजवाब, बहुत मज़ेदार टेस्ट आ रहा है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढाँक के रख देंगे, ताकि ये ढाँक के हम रखेंगे तो इसमें पकती रहेगी हल्की आँच पे। आँच को मैंने जिसे कम कर दूँगी, बिस्मिल्लाह, आंच को मैंने आखिरी स्टेज पे कर दिया है। इस पर हम थोड़ा सा और ढाप देंगे, ये देखें। अब इसको हम खड़ा रहने देंगे, पकता रहने देंगे। अब हम ढक्कन उतार कर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, बहुत खुशबू आ रही है। अब मैं अपनी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपकी बिल्कुल होटलों वाली दाल बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए, हम इसमें थोड़ा सा जो ये अचार का आयल है ना वो भी डाल देंगे, ताकि जो इसकी खुशबू है ना वो भी। ये देखें माशाल्लाह कलर कैसा आ रहा है, देखें माशाल्लाह। दिल कर रहा है खाने को, कर रहा है ना? हाँ कर रहा होगा खाने को, माशाल्लाह। ये आपकी होटलों की तरह दाल बनेगी, होटलों की तरह बिल्कुल। अब मैं इसमें जो मैंने अपने गार्डन से अपने उसमें से ये तोड़ के लाई थी हरा प्याज लहसुन, ये भी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह, पानी मैंने इसमें डाल दिया था, धो के इसको हम डाल देंगे। थोड़ा सा गार्निश के भी रखेंगे जो हम इसकी खूबसूरती के लिए डालेंगे। ठीक है, अब थोड़ी देर इसको हम पकने देंगे, फिर हम इसमें धनिया डालेंगे, फिर हम अपनी जो दाल है वो हमारी माशाल्लाह बन के तैयार हो जाएगी। देखें क्या कलर आ रहा है, बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार क्या कलर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, घर में बनानी है। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, तो फिर इसको हम फाइनल माशाल्लाह मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। अब हम उतार कर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ढक्कन, माशाल्लाह, क्या खुशबू है, क्या कलर है। अब इसमें धनिया भी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको पता है जो चने की दाल है फिर उसमें ये चीजें डालो तो फिर इसका क्या कलर होता है, क्या खुशबू होती है। ये देखें माशाल्लाह, हमारी होटलों वाली दाल बनके तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह, आप इसका कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत आ रहा है। अब मैं आपको ये डाल कर दिखाऊंगी। माशाल्लाह, ये देखें होटलों वाली हमारी चना दाल, अचार ही दाल बन के तैयार हो चुकी है, घर के मिसालों से, खरे मिसालों से बन के तैयार हुई है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने की बाहर से ये वो नहीं, घर में बनाए मजे से। अभी हम ये चमची का यूज़ करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल डालने के लिए अपनी अचारी दाल, माशाल्लाह अचारी दाल, वाह भाई वाह, अचारी दाल खाएंगे बच्चे, माशाल्लाह। इसमें ये देखें थोड़ी, हम ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे, इसके दिखाते हैं नीचे इधर, इसके ऊपर हम थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। बिस्मिल्लाह, खूबसूरती के लिए, और थोड़ा सा धनिया डालेंगे, माशाल्लाह। और ये साथ में जो हमारा अचार है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको पास से दिखाती हूँ,
ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कलर आ रहा है हमारी अचारी दाल बनके तैयार हुई है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी, आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे, जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको दोनों जहान की खुशियाँ देखनी नसीब करें। इस फिलोक के साथ किरण खान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।